और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है। हाँ, हो सकता है इस बार फिर आ जाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, कांच में और डायमंड में बहुत डिफरेंस है, जबकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं, लेकिन फिर भी कांच में और डायमंड में बड़ा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को प्रोबेबली हम ना समझ पाए, लेकिन जो ज्वेलर्स हैं वो इसे देख के, हाथ में देख कर ही पता लगा लेते हैं कि कौन डायमंड है और कौन ग्लास है, वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं वो, और क्यों डायमंड की चमक कांच से बहुत ज़्यादा होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, इसे हम समझते हैं क्रिटिकल एंगल के बेस पर। देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 के अबाउट, लगभग 1.5, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये बहुत बड़ा होता है, 22.4 या 2.5 के आसपास का, डिपेंड करता है किस क्वालिटी का डायमंड है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के आसपास का होता है, 1.5 एग्जैक्ट नहीं होता हमेशा, थोड़ा बहुत इसके ऊपर नीचे भी चलता है, डिपेंड करता है किस क्वालिटी का ग्लास है, कौन सा ग्लास है। जब हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं, क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल आता है लगभग 45 डिग्री, 44-45 डिग्री के आसपास का होता है। लेकिन जब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल एंगल किसके लिए, डायमंड के लिए, तो ये क्रिटिकल एंगल लगभग 24 डिग्री निकल कर आता है, एग्जैक्ट 24 नहीं, थोड़ा सा इसके आसपास होता है। अब इस क्रिटिकल एंगल के डिफरेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपका डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, ये ग्लास और डायमंड, ग्लास या डायमंड में से कोई एक। अब ध्यान से देखिए आप, ये नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ओके, और बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट करा रहा हूं यहां पर नॉर्मल, कहां, डेंसर से रेयरर में बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट करा रहा हूं मैं, अलग अलग एंगल पर, करेक्ट, ये सारी लाइट रेज आई एट इंसिडेंट एट डिफरेंट एंगल। अब ध्यान से देखिए, अगर ये डेंसर मीडियम आपका ग्लास है, अगर ये डेंसर मीडियम ग्लास है, तो जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है 45 पर, उससे बड़े एंगल वाली लाइट रेज का क्या होगा, TIR हो जाएगा, इन वाली लाइट रेज का TIR हो जाएगा, और जो ये 45 पर इंसिडेंट है ये राइट एंगल पर निकल जाएगी, करेक्ट। मतलब 45 से ऊपर कुछ लाइट रेज है। अगर यही आपका मीडियम ग्लास ना होकर यही मीडियम है डायमंड, यही मीडियम है डायमंड, तो क्या होगा कि जस्ट 24 से एंगल 24 वाली, तो ये गई 90 पर, और 24 से ऊपर की जो भी लाइट रेज है ये क्या होंगी, इनका TIR हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, जो डायमंड है, डायमंड के लिए कम से कम कितने एंगल पर होगी, ये 24 पर, और ग्लास के लिए कम से कम कितने पर होगी, 45 पर, क्योंकि इसका इधर ये 45 क्रिटिकल एंगल है। आप ये बताइए कि बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं, तो ग्लास एयर के इंटरफेस पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है TIR होने की, या डायमंड एयर के, रेयर का मतलब यहां कौन सा है, एयर, अगर ग्लास से एयर में रिफ्रैक्ट हो तो ज्यादा चांस है TIR होने के, या फिर TIR होने के चांस तब ज्यादा है जब डायमंड से एयर में हो, डायमंड से एयर में, क्योंकि इंसिडेंट रे का 24 डिग्री से बड़ा एंगल बना लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है
45 से बड़ा एंगल बनने की प्रोबेबिलिटी कम है इंसिडेंट रे की, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में ज्यादा होगा आपका, डायमंड में ज्यादा होगा, क्लियर है बात। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस एंगल के अकॉर्डिंग ही आपके जो ज्वेलर्स होते हैं वो डायमंड और ग्लास का डिफरेंस पता लगा लेते हैं। सिंपली क्या कहते हैं, आप अपना डायमंड बेचने गए ज्वेलर के पास, ज्वेलर से हाथ में पकड़ता है, एक आध बार यूं यूं ऐसे घुमा करके देखेगा और कह देगा भाई ये तो तुम कहां से लाए, तो नकली है, ये तो डायमंड नहीं है, तो कांच का टुकड़ा है, या ये डायमंड है बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, ये नहीं बिकने का तुम्हारा। रीजन क्या, जब वो हल्का सा ऐसे बेंड करते हैं तो वो किसी सोर्स का रिफ्लेक्शन इसके अंदर देख रहे हैं। सोर्स बहुत सारे, आप सबको पता है कि डायमंड जहां बिकते हैं ज्वेलरी की शॉप पर ढेर सारी लाइट्स लगी हुई होती हैं हमेशा। तुलाराम जी की दुकान में इतनी सारी लाइट्स लगी हुई नहीं है, लेकिन जब आप वहां जाओगे कोई ज्वेलरी लेने तो वहां उन्होंने बहुत सारी लाइट लगा रखी है चमक देने के लिए। तो उनमें से किसी सोर्स का रिफ्लेक्शन देखते हैं और उन्हें पता होता है कि मैं अगर इसे इतना 2 डिग्री या 4 डिग्री घुमा दूंगा तो वो रिफ्लेक्शन गायब हो जाएगा, और फिर घुमा दूंगा 10 डिग्री तक तो फिर वापस आ जाएगा। उस मैं सिर्फ आपको इमेजिनरी वैल्यूज बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने डिग्री पर रिफ्लेक्शन गायब होता है और कितने पर फिर वापस आ जाता है, वो सब वो उन्हें पता है। डिग्री भी नहीं पता उन्हें, तो बस ये पता आपने हाथ से घुमा दिया अच्छा आ गया, हाँ भाई हाँ क्या लोगे बताओ, बढ़िया क्वालिटी का तुम्हारा हीरा, क्या क्या मांग रहे हो पैसे बताओ। TIR होने के चांसेस ज्यादा है डायमंड में। अगर मैंने डायमंड हाथ में पकड़ा हुआ और 3 डिग्री घुमाने पर डिसअपीयर हो गई कोई इमेज, तो हो सकता है कि यही टुकड़ा, इसी शेप का टुकड़ा अगर क्लांच का है तो 10 डिग्री 20 डिग्री घुमाने पर भी वो डिसअपीयर ना हो पाए, क्योंकि वहां TIR की कंडीशंस कुछ और है, डायमंड में TIR की कंडीशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। समझ रही बात। पहले तो ये कि ज्वेलर्स कैसे पहचान लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हेल्प से ही पहचान लेते हैं। दूसरा, ज्वेलर्स इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं डायमंड को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस देने के लिए। हाँ जी, अब इस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमंड कटर्स कैसे यूज करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस देने के लिए। जो रॉ डायमंड है, जो जमीन में से निकलता है, जो माइंस में से डायमंड निकलता है, अगर आपके और मेरे हाथ में दे दिया जाए तो हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये डायमंड है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई कांच का टुकड़ा, बेशेप बेडॉल, लगभग लगभग आलू की शेप का, आलू की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इतना सा आलू, इतना आलू, इतना आलू, इतना आलू, इतना आलू, या इतना बड़ा आलू, इतना बड़ा आलू तो नहीं निकलता डायमंड कहीं भी, छोटे छोटे ही निकलते हैं। तो वो बेशेप होता है बिल्कुल, और उसके अंदर चमक नहीं होती कोई भी। चमक का जो रीजन है वो इसकी स्पेशल शेप होती है, एक खास तरीके से उसकी कटिंग की जाती है। जब रॉ डायमंड है, जमीन में से निकला रॉ डायमंड, बिल्कुल बेशेप था, ये बेडॉल था, ये ऐसा। उसके बाद डायमंड कटर्स क्या होते हैं, आराम के साथ इसकी साइड्स काटते हैं वो, और दो पर्टिकुलर साइड्स के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल होता है, मुझे नहीं पता कितना एंगल होता है, लेकिन एक सर्टेन एंगल पर बना देते हैं वो। इसको ऐसे ऐसे काटते हैं, ये कभी कुछ ऐसा भी होता है कि ये डायमंड है वो नहीं बन पा रहे एंगल, तो इसको थोड़ा सा वो छोटा कर देते हैं साइज में, वो सर्टेन एंगल्स बनाने के लिए। आपने कभी भी देखा होगा डायमंड की शेप कुछ ऐसी ऐसी सी बनाई जाती है, बहुत सारे फेसेस बनाए जाते हैं। ये ढेर सारे फेसेस बनाने के पीछे क्या रीजन है, कहीं से भी एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्शन होगी, अपने पास से थोड़ा सा डेबिट हो जाएगी, क्योंकि डेंस रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये स्मॉलर एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो गई। अब क्या करते हैं, ये जो सरफेस बनाई, ये सरफेस बनाई है, इनका कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि सामने वाली सरफेस पर पहुंचकर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बन जाए, और जब ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बना तो लाइट रे का क्या हुआ, TIR, पता चला अगली सरफेस पर पहुंचकर फिर वही कंडीशन बन रही है, तो फिर से एक बार फिर TIR हो गया, यहां पहुंचकर फिर से वही कंडीशन। तो कई बार, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार TIR होने के बाद फिर कहीं ये निकल कर आएगी लाइट रे बाहर, और यहां हमारी ये लाइट रे कहां पहुंची, आंख में पहुंची, समझे।
इससे पहले आप सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लड़कियों ने शायद नहीं लेकिन लड़कों ने सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है क्या कि बार्बर है, आपने अपनी कटिंग करा ली, वो शेप दिखाने के लिए आपके पीछे मिरर लगाते हैं, है ना, एक मिरर सामने लगा हुआ है, एक मिरर आपके पीछे लगाया, तो आप देखते हैं कि मिरर में आप अपनी बहुत सारी इमेज देखने लगते हैं एक दूसरे के पीछे बनी हुई, क्योंकि वहाँ एक लाइट रे का बार 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 रिफ्लेक्शन होने लगता है दोनों मिरर में। एक मिरर में इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट बन गई अगले के लिए, फिर इसके अंदर जो इमेज बनी वो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, और वो बार बार रिफ्लेक्शन होता है, यानी जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी ही इमेजेस आपको दिखाई देंगी। वही कंडीशन यहाँ बनती है, यहाँ लाइट रे निकलने से पहले 50 बार रिफ्लेक्ट हो गई अंदर ही अंदर, तो एक्चुअली जो एक यहाँ ब्राइट ऑब्जेक्ट था उसकी हमें इसके अंदर 50 इमेजेस दिखाई देंगी, कुल मिलाकर के ये ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा, ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। ऊपर कहीं लाइट जली हुई है या सूरज की धूप है, कुछ भी है, लाइट एंटर करी, कई बार रिफ्लेक्ट हो गई इसके अंदर, जितनी बार रिफ्लेक्ट हो गई हर सरफेस के पीछे हमें एक इमेज दिखाई देगी, बिल्कुल शार्प इमेज नहीं दिखाई देगी, लेकिन कुल मिलाकर क्या होगा, ये चारों तरफ से हर साइड में चमकता हुआ हमें दिखाई देगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस कब क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी तब जबकि इसके सरफेसिस के बीच में जो सरफेस काटी गई है एक पर्टिकुलर एंगल होता है, ताकि एक बार लाइट डायमंड पीस में क्रिस्टल में एंटर करने के बाद कई बार अंदर अंदर TIR हो जाए, जब बाहर निकलकर हमारी आंख में पहुंचती है तो एक साथ बहुत सारी इमेजेस वहां दिखाई देती हैं, कुल मिलाकर के ये हमें ज्यादा ब्रिलियंट दिखाई देता, ज्यादा चमकदार दिखाई देता एज कंपेयर ऑफ ग्लास पीस। ग्लास पीस भी बिल्कुल सेम शेप और साइज का सेम स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, वो उतना चमकदार नहीं दिखाई देगा जितना चमकदार दिखाई देगा डायमंड, क्योंकि वहां उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। डायमंड ग्लास के लिए कौन सी लाइट रे एंटर रिफ्लेक्ट करेगी, जिसका एंगल 45 से ऊपर होगा, और डायमंड में जिसका एंगल 24 से ऊपर होगा वो सारी की सारी लाइट रे बार 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 अंदर रिफ्लेक्ट करती रहेंगी, बहुत बार रिफ्लेक्शन होगा, जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी इमेजेस बनेगी, कुल मिलाकर के ब्राइटनेस इसकी बड़ी दिखाई देती। जब डायमंड में ध्यान रखिए, कभी भी डायमंड की अपनी ब्राइटनेस नहीं है, अंधेरे में डायमंड कैसा दिखाई देगा, काला नहीं दिखाई देगा, अंधेरे में डायमंड दिखाई ही नहीं देगा, एज यूजुअल जैसे बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता हमें, पानी के अंदर कैसे दिखाई देगा, पानी के अंदर वैसे दिखाई देगा लगभग जैसा एयर में होता, उससे कुछ कम ब्राइटनेस हो जाएगी क्योंकि वहां जो कंपेरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना पड़ेगा या नहीं, लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए तो टाइम बचा नहीं है, अब अटेंडेंस